अगर आपके अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो आपका मकसद आपको मंजिल तक ले ही आता है। अब बिहार के रोहतास जिले के एक छोटे से गांव कुंड के रहने वाले अभिनेता विनय की बात कर लेते हैं। दरअसल विनय को अपने अंदर एक अभिनेता नजर आया तो उन्होंने अभिनेता बनने की ठान ली, मगर दिक्कत तो ये थी कि विनय के परिवार वाले उन्हें फौजी बनाना चाहते थे, मगर विनय पर तो एक्टिंग का भूत सवार था। इसके बाद विनय ने अपने सपने को साकार करने के लिए मुंबई का रुख कर लिया, मगर विनय के साथ भी वही हुआ जो अमूमन नए कलाकारों के साथ होता है। दरअसल विनय को फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिला। कई बार उन्हें ये भी लगा कि उन्हें वापस घर लौट जाना चाहिए, मगर शर्म की वजह से विनय 3 साल तक अपने गांव नहीं गए। अपनी धुन के पक्के विनय को इस बात का इंतजार था कि जब उन्हें किसी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा तभी वो अपने गांव जाएंगे। इसी दौरान जब विनय को पैसों की दिक्कतें होने लगी तो उन्होंने हाउसकीपर का काम करना शुरू कर दिया और इसके बदले में उन्हें 4,000 रुपए की सैलरी मिलने लगी। मगर कहते हैं कि वक्त अच्छा हो या फिर बुरा गुजर ही जाता है, और यही हुआ विनय के साथ भी। दरअसल बतौर नायक विनय की पहली फिल्म आखिर कब तक इसी शुक्रवार को रिलीज होने वाली है। फिल्म के बारे में बात करते हुए विनय ने बताया कि फिल्म का प्रचार करने के लिए पोस्टर लगी गाड़ी जब उनके गांव पहुंची तो उनके गांव वालों को यकीन नहीं हुआ कि विनय वाकई हीरो बन गया है। खैर देखना होगा कि विनय की फिल्म को दर्शक कितना पसंद करते हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से जूही की रिपोर्ट।